गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रभा सोनी, योर हिंदी टीचर। हाउ आर यू चिल्ड्रन? आई होप यू आर ऑल फाइन चिल्ड्रन। दिस इज़ योर रिविज़न वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर रिविज़न। आज हम पार्ट 4 अच्छे बालक, इस पार्ट का रिविज़न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ से शुरू करेंगे, ठीक है? तो देखिए, गाली निकालना। गाली निकालने का अर्थ होता है बुरे शब्द कहना। क्या होता है? बुरे शब्द कहना। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है श्याम पट। क्या होता है? श्याम पट। पंक्ति, पंक्ति का अर्थ होता है कतार। पंक्ति का अर्थ कतार। प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा का अर्थ होता है वंदना स्थल। शांत खड़े रहना, शांत खड़े रहना का अर्थ क्या होता है? बिना हिले डुले चुपचाप खड़े रहना। सेवा करना, सेवा करने का अर्थ होता है मदद करना। दौलत, दौलत का अर्थ होता है धन। क्षमा मांगना, क्षमा मांगना का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे हम। गाली निकालना, गाली निकालने का अर्थ होता है बुरे शब्द कहना। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है श्याम पट। पंक्ति, पंक्ति का अर्थ होता है कतार। प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा का अर्थ होता है वंदना स्थल। शांत खड़े रहना, यानी बिना हिले डुले चुपचाप खड़े रहना। सेवा करना, सेवा करने का अर्थ होता है मदद करना। क्षमा मांगना, क्षमा मांगने का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, क नंबर पर क्या लिखा है? वरदान ने अध्यापक की शिकायत की। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? रोहन की, राजन की, मेहुल की, परी की। तो वरदान ने अध्यापक से किसकी शिकायत की थी? मेहुल की। तो आप मेहुल के सामने राइट मार्क कर देंगे, ठीक है? ख नंबर, जो बालक फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते, जो बालक फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते वे अच्छे बालक होते हैं। किसने कहा? मेहुल ने, वरदान ने, परी ने या राजन ने? तो ये शब्द किसने कहा था? राजन ने। तो आप राजन के सामने राइट मार्क कर देंगे। अध्यापक ने कहा, ऑप्शन क्या क्या है? अच्छे बच्चे सभी पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, अच्छे बच्चे अपने माता पिता की बात कर कह सॉरी अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अच्छे बच्चे कक्षा में ध्यान से अध्यापक की बात सुनते हैं, अच्छे बच्चे बड़ों को आग कहते हैं और जी लगा कर बात करते हैं। लेकिन अध्यापक ने क्या कहा था? कि अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उसके सामने आप राइट का निशान लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में से उच्च शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए जैसे दौलत, फर्श, दीवारों, मिलकर, प्रार्थना सभा और माता पिता। इन शब्दों को आपको इस खाली स्थान में भरना है। का नंबर पे लिखा है डैश में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहना। हम हाथ जोड़कर कहाँ खड़े रहते हैं? प्रार्थना सभा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रार्थना सभा। अच्छे बालक डैश व डैश पर स्याही नहीं छिड़कते। अच्छे बालक क्या करते हैं? फर्श और दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्श और दीवारों, ठीक है? अच्छे बच्चे डैश की सेवा करते हैं, यहाँ पर डैश बना हुआ ना। अच्छे बच्चे किसकी सेवा करते हैं? अपने माता पिता की। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? माता पिता। अच्छे बच्चे सबसे मिलकर रहते हैं। फिर लास्ट है, अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं, ठीक है? तो किस तरह से हमने किया? पहले में हमने लिखा प्रार्थना सभा, दूसरे में फर्श और दीवारों, थर्ड नंबर पे हमने लिखा माता पिता, फोर्थ नंबर पे मिलकर और फिफ्थ नंबर पे दौलत। ठीक है, इस तरह से आपका ये खाली स्थान पूरा हो गया और ये आपका सही विकल्प। ठीक है, अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, ठीक है? प्रश्न पहला हमारा है, अध्यापक बच्चों से किस विषय में बात कर रहे हैं? आप उत्तर लिखेंगे, अध्यापक बच्चों से अच्छे बालक के विषय में बात कर रहे हैं। वरदान ने अच्छा बच्चा किसे बताया है? वरदान ने कहा जो बड़ों का आदर करते हैं,
उनका कहना मानते हैं और कभी किसी को गाली नहीं देते, वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। मेहुल ने अच्छे बच्चे के क्या गुण बताए? तो जो बालक हमेशा भक्ति में चलते हैं, प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहते हैं, वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। परी ने अध्यापक के प्रश्न के उत्तर में क्या कहा? परी ने कहा, जो बच्चे कक्षा में ध्यान से अध्यापक की बात सुनते हैं और अपना काम समय पर करते हैं, वही अच्छे बच्चे कहलाते हैं। फिर लास्ट है आपका, मेहुल ने क्या कहकर क्षमा मांगी? मेहुल ने कहा, अब मैं कभी न किसी को मारूंगा, न गाली निकालूंगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, इसी से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अध्यापक बच्चों से किस विषय में बात कर रहे हैं? उत्तर, अध्यापक बच्चों से अच्छे बालक के विषय में बात कर रहे हैं। वरदान ने अच्छा बच्चा किसे बताया? वरदान ने कहा, जो बड़ों का आदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं और कभी किसी को गाली नहीं देते, वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। मेहुल ने अच्छे बच्चे के क्या गुण बताए? जो बालक हमेशा पंक्ति में चलते हैं, प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहते हैं, वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। परी ने अध्यापक के प्रश्न के उत्तर में क्या कहा? परी ने कहा, जो बच्चे कक्षा में ध्यान से अध्यापक की बात सुनते हैं और अपना काम समय पर करते हैं, वही अच्छे बच्चे कहलाते हैं। मेहुल ने क्या कहकर क्षमा मांगी? मेहुल ने कहा, अब मैं ना कभी किसी को मारूंगा, ना गाली निकालूंगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका पार्ट 4 अच्छे बालक का आज हमने रिविज़न किया। ठीक है, आप भी सारे क्वेश्चंस के रिविज़न आप कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, और आपको प्रश्न उत्तर का भी रिविज़न लिख लिख कर करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।